अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 12th पार्ट रिगार्डिंग द पेसेंजर चैप्टर एंड इन इट विल द लास्ट पार्ट रिगार्डिंग दिस चैप्टर एंड इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस द मल्टीपल प्रेगनेंसीज। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी एक्चुअली होती है कि मोर देन वन फिटस, के मदर की बॉडी में एक से ज़्यादा जो है ना फिटस होंगे, ठीक है, उसको कहते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी। मोर देन वन फिटस, ठीक है। और ये जो मल्टीपल प्रेगनेंसी का जो है रिस्क है ना, रिस्क इज इंक्रीज्ड इन आर्टिफिशियल टेक्निक्स। रिप्रोडक्टिव जो आर्टिफिशियल टेक्निक्स है ना, लाइक के जो हम यूज़ कर रहे होते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शंस या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो उन टेक्निक्स की वजह से जो है उसका ज़्यादा रिस्क होता है मल्टीपल प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। और ये जो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज का एक और कॉज हेरिडिटरी इफेक्ट भी होता है। हेरिडिटरी तो मतलब कि कुछ की फैमिलीज में भी ये सिस्टम होता है, हेरिडिटी उनकी जो है वो दो दो फीटस ही हो रहे होते हैं, या मतलब डाई जायकोटिक हो रहे होते हैं या मोनोजाइकोटिक, ठीक है। अगर इसकी जो है ये मल्टीपल प्रेगनेंसी की दो मेन जो है वो क्लासेस है, ये आदि मोनोजाइकोटिक एंड द डाइजाइकोटिक। तो आज जो है वो हम इन्हीं को मेन दोनों को डिस्कस करेंगे कि और फिर हम जो है वो कुछ क्लिनिकल्स भी देखेंगे। तो पहले जो है वो हम देख लेते हैं डाइजाइकोटिक को। डाइजाइकोटिक ट्विंस, तो डाइजाइकोटिक ट्विन दे आर अप्रोक्सीमेटली 2/3, मतलब कि मोस्टली जो है वो डाइजाइकोटिक ट्विंस ही हो रहे होते हैं, ठीक है। इनमें होता क्या है कि दे आर फॉर्म बाय द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओसाइट। कैसे बनते हैं जी? बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ टू ओसाइट। So they will form two zygote. So form two zygote. क्योंकि जब दो ओसाइट की फर्टिलाइजेशन हो रही है तो फिर दो ही zygote बन रहे होंगे, ठीक है। लाइक मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ जिस तरह से ये दो ओसाइट इन पर आके दो स्पर्म्स लग गए, ठीक है। तो फिर ये दो zygote डिफरेंट बन जाएंगे। तो जब ये दोनों डिफरेंट zygote बनेंगे तो दे विल बी जीनेटिकली डिफरेंट। ठीक है। और लेकिन क्या होता है कि देयर जो है उनकी कोरियोन और प्लेसेंटा में भी फ्यूज, देयर कोरियोन एंड प्लेसेंटा में फ्यूज, क्योंकि कोरियोन उनकी बाइवल लेयर होती है, तो बाइवल लेयर में जो है दूसरे साथ फ्यूज होते हैं, जहाँ जो प्लेसेंटा लाइक आ रहा है इस तरह से, तो वो जो है वो दोनों को एक ही प्लेसेंटा दोनों को जा रहा हो, लाइक इसको भी और इसको भी एक ही प्लेसेंटा जा रहा हो, इस तरह भी हो सकता है। और उनके प्लेसेंटा जुड़ सकते हैं कोरियोन जो, लेकिन वो खुद दोनों अलग होंगे, दोनों जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, ठीक है। और इसकी भी मतलब हम ऊपर बताया था कि ये हेरिडिटरी इफेक्ट्स की वजह से भी होता ही है, हेरिडिटरी टेंडेंसी होती है कि मतलब कि थ्री टाइम्स ये जो है उन फैमिली में ज़्यादा होती है जिनके ये मतलब इसकी चांसेस ज़्यादा होते हैं दैन द नॉर्मल पीपल। मतलब एक नॉर्मल फैमिली, एक फैमिली जिनमें पहले भी ये डाइजाइकोटिक ट्विंस हो रहे होते हैं, तो उनमें थ्री टाइम्स चांस ज़्यादा होगा कि उन्हीं में ये हों डाइजाइकोटिक ट्विंस। तो इसे 3% जिनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब जो है वो आते हैं मोनोजाइकोटिक की तरफ, मोनोजाइकोटिक ट्विंस। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस दे विल बी फॉर्म बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ द वन ओसाइट। कैसे बनेगी ये? बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ वन ओसाइट। तो एक ओसाइट की फर्टिलाइजेशन होगी, सो फॉर्म वन जायगोट। तो एक ही जायगोट बनेगा, मतलब ये जायगोट के बाद इनकी डिवीजन हो रही होती है, ठीक है। जो इनकी ट्विनिंग या डिवीजन, ट्विनिंग विल बिगेन एट ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। हम देखें ट्विनिंग या जो उनकी डिवीजन है विल बिगेन्स एट ब्लास्टोसिस्टिक स्टेज। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो जायगोट बनेगा, जब उसकी ब्लास्टोजेनेसिस होना शुरू होगी, तब उसकी ट्विनिंग होगी, ठीक है। तो ये जो है ना ये जेनेटिकली सेम होंगे,
जेनेटिकली आइडेंटिकल, कि वो आइडेंटिकल हमको भी दिख लाइक कि इसमें सिर्फ एक ही था वो साइड, ठीक है, उसके ऊपर एक ही स्पर्म आया, एक ही जायगोट बन गया। अब जायगोट बनने के बाद मतलब अब तो उनका जेनेटिक मेकअप तो सेम है, उसके बाद जो है ना ये वो अंदर से जो जायगोट बना ये दो में डिवाइड हो जाएगा लाइक दिस, तो ये आगे जाके दो बना देंगे। अभी चाहे तो दो बने या चार बने, जितने बने ये होंगे तो सेम ही ना, एक ही मतलब कि वो स्पर्म और एक ही एग से बने हो, तो इसलिए ये जेनेटिकली सेम होंगे ये मोनोजाइगोट। अब जो है ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हैं इनकी कुछ हम वो देखेंगे कि चांसेस मतलब कि किस टाइप के बनने होंगे किस डे के ऊपर, मैं आपको पता फिर आपको समझ आएगी कि इफ़ द ट्विनिंग विल अकर्स 2 to 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ट्विनिंग अकर्स 2 to 3 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो हमारे पास आएंगे डाई एमनियोटिक डाइकोरियोनिक, एमनियोटिक डाइकोरियोनिक। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर ट्विनिंग 2 to 3 days आफ्टर फर्टिलाइजर क्योंकि बहुत जल्दी फर्टिलाइजेशन फौरन बाद ट्विनिंग होती है ना, तो फिर जो हमारे पास जो आगे दो आ रहे होंगे ना ट्विन्स आ रहे होंगे दे विल बी डाई एमनियोटिक डाई, मतलब उनकी अपनी एमनियोन भी दोनों की अलग बनेगी, उनकी कोरियोन भी अलग से बनेगी, क्योंकि अभी उनकी एमनियोन कोरियोन बनी थी पहले डिवाइड हो गए। अब जो पहले डिवाइड हो गए फिर उनकी जो है वो एमनियोन और कोरियोन अपनी अलग अलग दोनों बनाएंगे, ठीक है। अब जो है इससे थोड़ी सी देर बाद ट्यूनिंग होगी लाइक इज ट्यूनिंग विल अकर बिटवीन 3 to 8 days, 3 to 8 days के दरमियान जो है वो फर्टिलाइजेशन के वो अगर इनकी ट्यूनिंग होती है दे विल बी मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक, मोनो कोरियोनिक डाइएमनियोटिक। अब इसका मतलब उनका जो है वो ये बाई वाला था ना सैक जो कोरियोनिक सैक है वो सेम रहेगा, क्योंकि कोरियोनिक सैक जो है वो अब एक बन चुका था पहले, अंदर से जो उनके एमनियोटिक सैक्स है ना वो दो होंगे, ठीक है। अगर ट्यूनिंग थोड़ी सी लेट, अगर ट्यूनिंग जो है वो इससे भी थोड़ी सी लेट हो जाती है लाइक के 8 to 13 days के आफ्टर फर्टिलाइजेशन होती है ट्यूनिंग, 8 to 13 days, तो दे विल बी द मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक। मोनोकोरियोनिक मोनो एमनियोटिक मतलब अब उनका जो है वो कोरियोनिक सैक भी एक होगा और एमनियोटिक सैक भी एक होगा, इस तरह से एक कोरियोन एक एमनियोट, उसमें दो इस तरह से वो बेबी जो फिटस जो है ग्रोइंग एम्ब्रियो पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो क्योंकि अब ये ट्विनिंग बहुत लेट होगी तो वो पहले से बन चुके होंगे एमनियोन कोरियोन, तो फिर एक ही लेकर अंदर फिटस दो होंगे, ठीक है। और अगर इससे भी ये जो है वो ट्विनिंग का प्रोसेस लेट होगा लाइक के आफ्टर 13th day फर्टिलाइजेशन के 13 दिनों के बाद अगर होगा तो फिर जो फिटस है उसको हम कहेंगे कंजॉइंट ट्विंस, कंजॉइंट ट्विंस, कंजॉइंट मतलब कि वो जुड़े हुए होंगे, कंजॉइंट मतलब आपको समझ आ रही है इसके नेम से बात चला कि जुड़े हुए होंगे, ठीक है। इसी के हम आगे कंजॉइंट ट्विंस जो है ना ये इसकी इनकी डिफरेंट टाइप्स मतलब वो किस तरह से जुड़े हुए होते हैं, तो एक उसमें होती है जी थोरैकोफेगस, लाइक उनकी जो थोरेसिक वॉल है ना लाइक ये एक ही है ये दूसरे की वो दूसरा थोरेसिक वॉल के जुड़े हुए होंगे, ठीक है। एक होती है सबकुटेनियस, मतलब कि सिर्फ उनकी स्किन ही ऊपर पर जुड़ी हुई है, उसको जो है वो हम सर्जरी के बाद उन लोगों को सेपरेट कर सकते हैं। फिर एक जो बड़ी बड़ी सीवियर है दैट ये एनाटॉमिकली जुड़े हुए हैं, एनाटॉमिकली तो मतलब कि उनकी जो अंदर से बोन्स या उनके कोई जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक हो या उनकी बोन्स अंदर से जुड़ी हुई हो, ठीक है, ये बड़ी सीवियर फॉर्म होती है, ठीक है। तो उसमें फिर जो एक होगा ना फिटस वन विल बी पैरासाइट, मतलब कि वो जो है वो दूसरे का सारा कुछ ले लेके खाता जाएगा और वो खुद ग्रो करेगा, वो जिसका खा रहा होगा दूसरे का वो बेचारा जो है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। एक जो फिटस है वो यहाँ पे पैरासाइट बन जाएगा जब इनकी एनाटॉमिकली अंदर जो उनके सिस्टम जुड़े हुए होंगे, ठीक है। अब जो है ना वो हम इसी से रिलेटेड कुछ क्लिनिकल कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। क्लिनिकल्स तो जो इसके एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डेट इज द ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, पहला क्या है ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम।
तो ट्विन ट्रांसफरेंस सिंड्रोम इट विल अकर इन दी 10-15% ऑफ दी मोनोजाइगोटिक डाई एमनियोटिक ट्विन्स अकर्स इन 10-15% ऑफ मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये टाइप हम पीछे पढ़ के आए हैं मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक, लाइक ये वाली टाइप थी देखें कि मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक मोनोजाइगोटिक ट्विंस। तो ये इनके अंदर इनसे चांसेस हैं अबाउट 10-15% जो ये इस तरीके से होंगे ना फीटस बेबी उनमें जो है ये ट्विन ट्रांसफर सिंड्रोम के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, देयर इज शंटिंग ऑफ द आर्टेरियल ब्लड फ्रॉम द वन ट्विन इनटू द वीनस सर्कुलेशन ऑफ अदर ट्विन। क्या होता है इसमें, शंटिंग ऑफ आर्टेरियल ब्लड फ्रॉम वन ट्विन टू वीनस सर्कुलेशन ऑफ अदर ट्विन। मतलब कि एक ट्विन का जो आर्टेरियल ब्लड है ना वो दूसरे ट्विन की जो है वो वीनस सर्कुलेशन जा रहा था, ज्यादा दिन की जो प्लेसेंटा जब जुड़े हुए होते हैं इस वजह से, तो एक का जो आर्टेरियल ब्लड है वो दूसरे की वीनस सर्कुलेशन में जा रहा था। अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे कि जो डोनर होगा, मतलब जिसका आर्टेरियल ब्लड जा रहा होगा वो जो बेचारा डोनर होगा वो साइज में छोटा रह जाएगा, उसको एनीमिया हो जाएगा और उसका कलर जो है पेल हो जाएगा, डोनर विल बी स्मॉल पेल कलर एंड एनीमिक। ये बेचारा जो गरीब है इसको इसका वो भी जो है आर्टिकल ब्लड भी दूसरा ले जाएगा, और जो दूसरा जिसको जा रहा होगा वो होगा रेसिपिएंट ट्विन, तो रेसिपिएंट ट्विन इट विल बी लार्जर रेसिपिएंट विल बी लार्जर एंड हैव पॉलीथायरेमिया। उसके उसमें जो है वो ब्लड सेल इतने ज़्यादा हो चुके होंगे कि उसकी वो जो वीनस ब्लड उसमें भी ब्लड सेल्स आ रहे होंगे, तो उसको जो है वो पॉलीथायरेमिया हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, जो होगा ना डोनर ट्विन विल डाई ऑफ एनीमिया। वो बेचारा जो है वो एनीमिया की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, जो रेसिपिएंट ट्विन will have congenital heart failure. और क्योंकि वो उसको पॉलीथायरेमिया, उसमें ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, उसके हार्ट को उतना ज़्यादा पंप उसको पंप करना पड़ेगा, उसकी क्या हो जाएगी कंगेंशियल हार्ट फेलियर, मतलब कि नुकसान दोनों का ही हो गया, एक ही जो जिसे एनीमिया था उसकी डेथ ही हो गई और जिसमें वो ब्लड ज़्यादा आ गया उसको जो है वो पॉलीथायरेमिया और उसकी जो है कंगेंशियल हार्ट फेलियर हो गई। ठीक है, अब हम एक और क्लिनिकल कंडीशन देख लेते हैं, डेट इज़ द सुपर फिकंडेशन। सुपर फिकंडेशन, तो इसमें क्या होता है कि देयर इज फर्टिलाइजेशन ऑफ टू और मोर ओसाइट एट डिफरेंट टाइम्स। फर्टिलाइजेशन ऑफ टू और मोर ओसाइट एट डिफरेंट टाइम। आगे तो हम पढ़ के देखिए, एक साथ ये डिफरेंट टाइम्स के ऊपर हो रही होगी, तो देयर विल बी टू फीटस इन और जो है जेनेटिकली डिफरेंट भी होगी। लाइक इसमें क्या कह रहा है कि अब इस तरह से एक ओसाइट से उसको एक स्पर्म लगा है डे वन के ऊपर, ठीक है, ये अपनी डेवलपमेंट के लिए चला गया, फिर दो दिन के बाद डे थ्री के ऊपर जो है वो एक और ओसाइट पे एक और स्पर्म लग गया, ठीक है, ये कोई हार्मोन इफेक्ट की वजह से होगा, और ये भी जब भी आगे चलेगा डेवलपमेंट में, फिर यूट्रस में जाकर ये दो फीटस होगी, दोनों जेनेटिकली डिफरेंट हो गए, दोनों के जो है वो एजेस भी फिर में उनमें भी डिफरेंस आएगा, उसको हम कहते हैं सुपर फिकंडेशन। तो ये जो हमने क्लिनिकल डिस्कस कर लिए जो इम्पोर्टेंट थे, और उसी के साथ यहाँ पे जो है हमने देख लिया कि डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, और मोनोजाइगोटिक हमने बड़ी डिटेल में देख लिया कि जो है वो मोनोकोरियोनिक डाइकोरियोनिक या कॉन्जॉइंट ट्विंस क्या है। तो होप्स आपको समझ आ चुकी होगी, अगर कोई पॉइंट नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो उसको अपने फ्रेंड से शेयर करें, पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।